बिंडम पाल एक खूबसूरत प्रकृति द्वारा निर्मित झरना है जो कि मिर्जापुर में पड़ता है। यह मिर्जापुर मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका व्यू बेहद ही शानदार है। लोग अपना टाइम स्पेंड करने अपने दोस्त परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं और पिकनिक मनाना लोगों का उद्देश्य होता है। यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती बेहद ही कमाल की। देखिए हम निकल चुके हैं अपने घर से, ये देखिए हमें रास्ते में पड़ता है सत्यगढ़ आश्रम के आगे का व्यू देख पाएंगे। रास्ते का व्यू बेहद ही शानदार है। हम जाएंगे बिंडम फॉल और बिंडम फॉल का जो खूबसूरती है उसको दिखाएंगे। अब बड़े हमारे साथ वीडियो के अंत तक हमारे साथ घूमिए बिंडम फॉल। ये देखिए हम सिद्धनाथ दरी के पास पहुंच चुके हैं। यही जगह है, यही रास्ता है जो जाता है सिद्धनाथ दरी की तरफ। यहाँ से आगे निकल लिए हम बिंडम फॉल की तरफ। रास्ते का व्यू देख पाएंगे, बहुत ही शानदार है। आपको रास्ते के दोनों साइड जंगल भी देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ से फिर आगे जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे सीधे बिंडम फॉल के लिए। देखिए यहाँ से निकलते हैं बिंडम फॉल के लिए। यहाँ पर गर्दा नाला बाबा हैं। देखिए यहाँ से फिर आगे निकल दिए हम। अब ठीक हमारे सामने देख पाएंगे यहाँ बिंडम फॉल का बोर्ड लगा हुआ है। अभी से हमें आगे मुड़ना है। देखिए हम मुड़ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिंडम फॉल। देखिए हम पहुँच चुके हैं बिंडम फॉल जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है पर्यटक विभाग द्वारा। यही यहाँ का गेट है, इसी गेट के माध्यम से हम अंदर इंटर करेंगे। देखिए अभी हम अंदर घुस चुके हैं। हाय गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिर्जापुर यूट्यूबर। देखिए हम और हमारे साथी एके सिंह, हम दोनों आ चुके हैं बिंडम फॉल। बिंडम फॉल का जो मेन गेट है, मेन गेट से हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर। अब देख पाएंगे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। और ठीक बगल में देख पाएंगे यहाँ पर एक हाथी की प्रतिमा बनी हुई है। अभी हम उसके पास लेकर चलेंगे और पास से उसका वीडियो दिखाएंगे। अब बने हमारे साथ वीडियो के अंदर। हमारे साथ घूमिए खूबसूरत जो वाटरफॉल है बिंडम फॉल। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है। बिंडम फॉल राष्ट्र की संपत्ति है, गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अज्ञात से प्रभागी वनी अधिकारी मिर्जापुर। देखिए है बिंडम फॉल का दृश्य देख पाएंगे। यहाँ पर खूबसूरत जो पार्किंग वाला एरिया बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसका जो रख रखाव है अच्छे से नहीं किया गया है। अब देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे झूले और बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड भी बनी हुई है, लेकिन इस समय फिलहाल इसकी दशा बहुत ही ख़राब है क्योंकि यहाँ के लोगों द्वारा, जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ का रख रखाव अच्छे से नहीं किया गया है। हमारे साथी अच्छा इनसे इसके बारे में राय जानते हैं। भाई साहब, यह जगह आपको देख के कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं यहाँ के बारे में, और देख पाएंगे आप बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो सुविधा है अच्छी है या नहीं? यहाँ का जैसा कि नाम सुनने को मिला था वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सरकार ने बहुत व्यवस्था दी मगर यहाँ के कर्मचारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम चलते हैं जो वाटरफॉल है उसके पास। आप देख पाएंगे पर्यटक विभाग द्वारा सब बना हुआ है। यही रास्ता है जो वाटरफॉल के पास लेकर जाएगा। देखिए अभी हम वाटरफॉल के पास जो सीढ़ी जाती है नीचे की तरफ, उस पर चल दिए हैं। यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ बनी है, वो पहले का सीढ़ी है, ये अब मक्का बना हुआ है। देख पाएंगे सर इसका व्यू बेहद ही शानदार। और ठीक हमारे सामने देख पाएंगे वो खूबसूरत वाटरफॉल जिसमें पानी इसमें कम है, बारिश कम हुआ है। देख पाएंगे इसका व्यू बेहद ही शानदार है। अभी हम मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँचे, इस कारण यहाँ पर जो है अभी भीड़ नहीं है यहाँ पर। फिर भी आप देख पाएंगे झरने का व्यू शानदार है। अगर बारिश हुआ होता तेज से तो यहाँ का जो मनमोहक दृश्य होता है वो देखने लायक रहता है। आ चुके हैं बिंडम फॉल का दृश्य देख पाएंगे आप। यहाँ पर जो यहाँ का पानी है वाटरफॉल बहुत ही धीमी गति से गिर रहा है क्योंकि बारिश बहुत कम हुआ है। इस कारण देख पाएंगे यहाँ की खूबसूरती में थोड़ी कमी है। फिर भी आप देख पाएंगे मौसम अच्छा उतना नहीं है, धूप है, इस कारण यहाँ का व्यू भी अच्छा नहीं आ पा रहा है। और यहाँ का वाटरफॉल है, वाटरफॉल में पानी बहुत धीरे धीरे गति से आ रहा है। तो बताइए भैया कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ का दृश्य तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे आने वाले हर पर्यटक का मन खुश हो जाएगा, देखने में अच्छा दृश्य है। घूमने का भी जगह है, फॉल भी अच्छा है, पानी वाटरफॉल भी अच्छा है, बहुत अच्छा पानी गिर रहा है धीरे धीरे। नहाने के लिए भी जगह अच्छा है, यहाँ का प्लेस भी बड़ा है, लंबा चौड़ा है। आपको अवसर मिले तो एक बार ज़रूर वाटरफॉल में जाने के लिए। 2 सीढ़ियाँ बनी हैं यहाँ पे, एक जो प्राचीन काल से बनी है
और वर्तमान में ये बनाया गया है। आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लोकेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय हिंद।